काल में बंद हुई रेलगाड़ियां फिर से बहाल हो गई हैं, लेकिन हिसार जिला के बरवाला रेलवे स्टेशन पर पिछले लंबे समय से अधिकतर ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरवाला से लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल ने रेल के ठहराव को लेकर DRM अम्बालो को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने कहा कि बरवाला रेलवे स्टेशन पर पिछले कोरोना काल के समय से ट्रेनों का स्टॉपेज बंद है, जिसके कारण आमजन को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। DRM ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही वहां पर ट्रेन का ठहराव फिर से शुरू हो जाएगा। मैं संजय सरदाना, बरवाला व्यापार मंडल से। हम आज बरवाला से DRM साहब से मिलने आए हैं, बरवाला की ट्रेन के स्टॉपेज लेने के लिए, जो 2-2.5 साल से बंद पड़ी हैं। बरवाला की जनता इतनी परेशान है, हम खुद इतने परेशान हैं, हमारे को कहीं आना जाना हो तो ट्रेन की सुविधा हमारे पास ना के बराबर है, और हम चाहते हैं कि हमारे को ट्रेन की सुविधा दोबारा मिलनी चाहिए। सर, बरवाला से अभी वहाँ के पार्षद आए थे मेरे पास मिलने, तो अभी वहाँ पे 3 गाड़ियों का स्टॉपेज चल रहा है, और हमने हेडक्वार्टर में 7 सर्विसेज और रिकमेंड करी हैं स्टॉपेज देने के लिए हेडक्वार्टर को, और मुझे उम्मीद है 1 अक्टूबर से जो नया टाइम टेबल है उसमें वो आ जाएंगी। तो 10 स्टॉपेजेस थे बरवाला में कोविड से पहले, और 10 के 10 स्टॉपेज उनको वापस मिल जाएंगे। मैं सुशील आनंद, पार्षद पति वार्ड नंबर 9 बरवाला हिसार हरियाणा से। हम आज इसलिए आए हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर लॉकडाउन के बाद से ही करीब 2 साल हो गए कोई भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। बरवाला शहर इतना बड़ा शहर है, छोटे छोटे गांव में ट्रेन के स्टॉपेज हैं, पर हमारे शहर में हमने इसके लिए सभी मंत्रियों को, सभी को, सांसद महोदय को, हमारे DRM साहब को पहले भी चेताया है। शहर पूरा इस टाइम धरने प्रदर्शन को भी तैयार है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और वहां पे स्टॉपेज नहीं है, और ट्रेनें लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, लोगों को इतनी दिक्कत है क्योंकि बसों में लोगों को बहुत ज़्यादा रेंट की भी है उसमें। पहले रेगुलर ट्रेन थी, रेगुलर 10 ट्रेनें थी, 10 के 10 ट्रेनें बंद हैं, जिसमें से 3 अब पीछे चलाई गई हैं, 7 अभी भी बंद हैं। उसके बाद हमने सांसद महोदय जी को, बरवाला आए उनको भी कहा, उन्होंने भी लेटर दिया मंत्रालय को भी आपकी चल जाएंगी। उसके बाद भी अब 6 महीने करीब होने वाले हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। आज हम गणमान्य मेरे साथ आए हैं बरवाला शहर से, मेरे भाई साथ, और आज DRM साहब से हम मिले हैं। हमने लिखित ज्ञापन भी दिया है इन्हें, शहर की तरफ से भी, डेरे की तरफ से भी, पार्षदों की तरफ से भी। कौन से सांसद को दी थी, कौन क्या? सांसद ब्रजेंद्र सिंह हैं हिसार से, उन्हें दी थी हमने। तो DRM साहब ने क्या? DRM साहब ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है, आपकी ट्रेनें जल्द से जल्द चलवा दी जाएंगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।